एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। और एक नए ब्लॉग में आज आपका फिर से स्वागत है। और सबसे पहले तो मौसम देख लीजिए आप, धूप खिली हुई है और हमारे यहाँ पर बस सुबह सुबह ही धूप आ जाती है। सबसे पहले तो आप देखिए कि कुदरत की सुंदरता आजकल मतलब हमारे आंगन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये जो फूल हैं इसको वैसे गुलदारिया कहते हैं, और ये इनकी खासियत ही दीपावली में ही खिलते हैं। और कुछ इस टाइप के फूल भी आजकल खिले हुए हैं, और ये जो प्लांट्स होते हैं इस टाइप के, ये एवरग्रीन होते हैं, हमेशा ही खिलते रहते हैं। तो इन फूलों को देखकर सुबह सुबह बड़ा अच्छा फील होता है, फ्रेश जब हम इनको देखते हैं सुबह उठकर, तो मन में एक अलग सी खुशी होती है। तो और भी सारे फ्लावर्स यहाँ पर हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर कर रही हूँ। और ये है हाजरी के फूल, जिसको गेंदा भी कहा जाता है, और हमारी लोकल लैंग्वेज में हाजरी ही कहा जाता है। आजकल जाड़ों का सीज़न आ चुका है, तो हमारा जो सगड़ है और जो जैती है और लकड़ियाँ निकल चुकी हैं आग जलाने के लिए। और यह है चिमटा, तो अब रोज़ शाम को यहाँ पर आग जलाई जाएगी। अभी मैं जा रही हूँ अपनी ऊपर वाले घर पर, पुराने वाले जो बकली है हमारी, तो वहाँ पर गाय को देनी है घास। मम्मी निकाल के गई है घास कौन सी देनी है, और मुझे वो डाल देना है क्योंकि मम्मी गई है खेत पर। तो मुझे बोला है कि मतलब गाय को घास दे देना। वैसे तो थोड़ी देर पहले देना था, लेकिन मुझे अभी टाइम हुआ नहीं, मैं बहुत सारे काम भी कर रही थी, तो अब मैं आई हूँ यहाँ पर। तो ये है हमारी काली, और घास तो यहाँ पर बहुत सारी रखी है, पता नहीं कौन सी वाली घास डालनी है। अब इसमें से डाल देती हूँ इसी को। तो आजकल जिनको खिलाई जा रही है सूखी वाली घास, हमारी छोटी वाली बछड़ी है, तो थोड़ा देते हैं इसको। तो इन दोनों को मैंने घास वगैरह तो दे दी है, अब घास देने के बाद जाना है मुझे नीचे, और बहुत सारे काम हैं। यहाँ पर मम्मी ने रखे हैं अरबी, खोद के रखे हुए हैं, और ये सुखाने के लिए रखे हुए हैं। अब इसको कुछ दिन बाद साफ़ किया जाएगा और सब्जी बनाई जाएगी। अब चलते हैं नीचे की ओर। अब इनको घास वास देने के बाद और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि बर्तन धोना वगैरह। और फिर बच्चों के साथ तो हो भी नहीं पाता है कि मतलब कैसे काम करें, उनके साथ बड़ी आफत आती है काम करने में, बिल्कुल करने ही नहीं देते हैं काम तो बच्चे। खाने में जो हमारा स्पेशल बन रहा है वो बन रहा है मीठे करेले की छोली, और घर के चावल बन रहे हैं, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने इस ब्लॉग में। ये है राम करेले या मीठे करेले इनको बोला जाता है। इनमें थोड़ा सा कांटे हैं, इनको मैं हटा लूँगी, और हटाने के बाद मैं इनको छील लूँगी। आप कांटे ही हटा भी सकते हो या वैसे भी काट सकते हो, पकने के बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसकी रेसिपी तैयार करते हैं। अभी यहाँ पर तेल में मैंने लहसुन वगैरह डाल दिया है, और लहसुन वगैरह डालने के बाद जीरा, और इसमें करेले ऐड कर दिए हैं। और करेले ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पलटा लेंगे, और नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा। और अब अच्छे से इसको मिक्स करके 5 मिनट इसको पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिया है थोड़ा सा बेसन, और इस बेसन में क्या करना है, हमें मट्ठा मिलाना है, और मट्ठा मिला के इसको मतलब बहुत अच्छे से घोल लेना है, ताकि इसमें कोई भी लम्फ ना बचे। और जब ये अच्छे से इसका मतलब एक घोल जैसा तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसको झोली में हम देख लेंगे। तो ये झोली में मैंने अब इसको मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद इसको अब थोड़ी देर के लिए मतलब मैक्सिमम 15 मिनट के लिए पकाएंगे, तो फिर ये पक जाएगा। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो ये ऑलमोस्ट अब पक चुकी है, और पकने के बाद हम थाली अपनी खाने की लगा रहे हैं। और हम दोनों, मम्मी और मैं ही हैं आज घर में, तो हम दोनों बाहर बैठ के खाने वाले हैं। और ये है खीरा, अब ये थाली में लेके जा रही हूँ मम्मी के लिए थोड़ा। और यहाँ पर इन लोगों का चल रहा है ये फटाव लगाने का काम, पंखा आजकल ख़राब हो रखा है तो इससे लगा रहे हैं, और अब मैं भी लगाने वाली हूँ। नीचे आ, हां हां।
हंसी आ जा रही है। हमने लगाया था थोड़ा सा अदरक, जिसको आज मैंने अच्छे से धो लिया है, और मतलब इसकी फ्राई करने के बाद इसको थोड़ा सा धो लिया है, और धोने के बाद अब इसको मैं सुखा दूंगी धूप में थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से यूज कर लूँ। और धूप में अब मैं इसको सुखा दे रही हूँ बाहर से, तो इसका जो पानी हो वो सूख जाएगा, और उसके बाद इसको मैं अच्छे से रख दूँगी, ताकि इसको बाद के टाइम पर भी मैं इसका यूज कर सकूँ। हमारा आज का ब्लॉग कि कैसा रहा, और अब मैं उठा रही हूँ अभी पूछे के कपड़े, और इसी के साथ जो ब्लॉग है उसको यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ें लेके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।